गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए पांच मोमेंटम स्टॉक लेके आया हूँ, जो कल कल यानी कि 4 मई 2022 को अगर वो लेवल क्रॉस करते हैं तो उसमें अच्छी रैली दिखा सकते हैं। तो आपको मैं अभी चार्ट पे समझाऊंगा कि कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। पूरे चार्ट एनालिसिस करके आपको समझाऊंगा। उससे पहले गाइज, अगर आपने कल का वीडियो देखा नहीं है तो जाके देख सकते हो। बहुत अच्छे से स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर मैंने डेली चार्ट के ऊपर RSI इंडिकेटर और ऑसम इंडिकेटर और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर तीनों को यूज करके कैसे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का सेटअप मैंने बताया, तो आप जाके देख सकते हो। बहुत अच्छे से काम करता है और डेली चार्ट में आपको एक दिन पहले ही पता चल जाता है कि कौन से स्टॉक को बाय करना है और कहाँ पे बाय करना है। तो कल बहुत अच्छे लोग मतलब रिस्पॉन्स दिया और अच्छे व्यूज भी आए, आप देख सकते हो। और इसमें मेन बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपने जो स्ट्रेटेजी बताए उसमें स्टॉक फिल्टर कहाँ से करना है। तो इसमें गाइस कोई ऐसा फिल्टर का है नहीं, कोई स्कैनर का, आपको वन बाय वन कोई भी स्टॉक रैंडमली चेक करना पड़ेगा। उसमें कोई आपके सेटअप में आता है तभी आप उसको बाय सेल कर सकते हो। तो भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि थोड़ा तो बताओ ताकि समझ में आए कि कहाँ से स्टॉक देखना है। तो आप देख सकते हो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, विलियम्स आर स्कैनर लिखता हूँ, गूगल पे टाइप करोगे तो पहला जो ओपन होगा चार्टिंग का सॉफ्टवेयर ओपन होगा, वो आपको ओपन करना है। तो बहुत सारे कमेंट आए थे इसलिए मैं आपको, भले 2 मिनट वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन उनके लिए फायदेमंद होगा कि जो लोग ने पूछा है और बहुत बताया कि वीडियो में बताओ कि कैसे बाय करना है। तो आपको विलियम सर टाइप करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है इसमें, विलियम सर देखो दो ऐसे ओपन होंगे तो आपको एक एक को यहाँ से डिलीट मार देना है यहाँ से, और ये जो रहा उसमें क्या करना है अपने को बाइंग साइड बाय करना है। इसीलिए विलियम सर की वैल्यू यहाँ पे आप ऑन एन एवरेज -80 या -80 की जगह आप फिल्टर करके -50 कर सकते हो। -50 की है, विलियम सर 14 ही रखना है। यहाँ से आप रन स्कैन कर दोगे तो सारे स्टॉक यहाँ पे देखोगे तो नीचे आ जाएंगे। ये सारे स्टॉक अच्छे ही होते हैं, आप इसमें से कोई भी ले सकते हो। जैसे कि 154 स्टॉक आए तो ये आप बाय कर सकते हो, मतलब आपके सेटअप के लिए यहाँ से देख सकते हो। अगर यहाँ से आप चेंज करोगे फ्यूचर की जगह कैश करोगे तो उसमें स्टॉक की संख्या ज्यादा आएगी। जैसे कि रनिंग स्कैन करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चेंज करके कैश सेगमेंट कर देना है। और विलियम सर की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पे डेली चार्ट पे अपने को देखना है तो डेली चार्ट कर देना है। विलियम सर की वैल्यू 14 ही रखनी है और लेस देन की जगह क्या करना है अपने को ग्रेटर देन करना है, क्योंकि अपने को बाइंग साइड अच्छे मोमेंटम स्टॉक चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन 50 के लेवल बीच में आता है मिड लाइन। तो वहां पे आपको रन स्कैन कर दोगे यहाँ से कैश में तो आपको पता चल जाएगा जो जो स्टॉक आएगी आप फिल्टर कर सकते हो। जैसे कि आया कितना, 414 स्टॉक आए तो वन बाय वन आप चेक कर सकते हो और अपने सेटअप में कोई आता है तो आप उसको बाय सेल कर सकते हो। तो ये मैंने आपको स्कैनर बता दिया, मोटा मोटी आप जाके देख सकते हो। तो अभी मैं आपको पांच स्टॉक बताऊंगा जिसमें गाइस चार स्टॉक रहेगा जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1 से 10 दिन का, और एक स्टॉक रहेगा जो आपको बोला है कि अपने पोर्टफोलियो स्टॉक रहेगा, ये 1 से 3 महीने के लिए आप पोजिशन बना के रख सकते हो। तो उसका भी लास्ट पोर्टफोलियो स्टॉक का कैसा परफॉर्मेंस है तो वो भी मैं बताऊंगा, और एक्सेल शीट के ऊपर अपने उसका डेटा देखेंगे लास्ट में। तो अभी टाइम वेस्ट ना करते, पहला स्टॉक का नाम रहेगा एंजल वन। एंजल वन आपको बाय करना है, बाय करने का रीजन देखो 3 घंटे की कैंडल के ऊपर मेन रीजन देखोगे तो एंजल वन क्या कर रहा है, स्टॉक देखो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया लेकिन थोड़ा नीचे चला गया, दूसरे दिन फिर से ऊपर चला गया और अभी यहाँ पे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास आया। तो अपने मान सकते हैं कि स्टॉक ने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया है, पहला रीजन हो गया बाय करने का। दूसरा रीजन देखोगे तो आपने सुना ही होगा रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, यानी कोई भी स्टॉक रेसिस्टेंट को ब्रेकआउट देके ऊपर जाता है फिर वो रिटेस्ट करने नीचे आता है, यानी कि उसके जो ये देखो स्टॉक यहाँ से गया नीचे आया, यहाँ पे एक कैंडल को रिजेक्शन मारा फाइनली ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया फिर से ऊपर गया और यहाँ पे सपोर्ट पे आया, यानी कि ये उसका पहले जो क्या हुआ करता था सप्लाई जोन हुआ करता था वो स्टॉक का क्या बन गया है यहाँ पे डिमांड जोन बन गया है, वो भी अपने मान सकते हो, और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है साथ साथ। तो ये दूसरा रीजन हो गया है बाइक करने का। और तीसरा और मेन रीजन जो लोग पहली बार देख रहे हैं आप देख सकते हो, ADX की वैल्यू 25 के ऊपर होनी चाहिए और विलियम सर की वैल्यू -80 आनी चाहिए, तो वो स्टॉक का क्या होता है लास्ट स्विंग होता है। प्रीवियस में आप देखोगे तो -80 आया था, ADX की वैल्यू देखो 25 के ऊपर थी। आप यहाँ पे देख सकते हो दो इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ, ADX और विलियम सर 14। तो यहाँ से स्टॉक देखो नीचे आया लेकिन ये स्टॉक का लास्ट स्विंग था, स्टॉक ऊपर चला गया तो अपने मान सकते हैं कि ये भी स्टॉक का लास्ट स्विंग हो सकता है, क्योंकि जब भी विलियम सर -80 आता है और ADX 25 होता है, 25 के ऊपर होता है वैल्यू, तो वो स्टॉक का लास्ट स्विंग होता है, स्टॉक यहाँ से रिवर्स मार्क के ऊपर जाने के बहुत हाई चांस हो जाते हैं।
तो बहुत कम रिस्क में आपको अच्छा स्टॉक मिल रहा है, तो आपको तुरंत बाय करना है, तुरंत बाय नहीं करना, एक कंडीशनल बाइंग रहेगा, क्योंकि अपने को पता नहीं कि स्टॉक ने बेस बना लिया कि नहीं बना लिया, क्योंकि अपने को कंफर्मेशन चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, उसने बेस बनाया तो आपने तुरंत बाय नहीं करना था, जैसे कि इसके हाई के ऊपर जाता तो आप बाय कर सकते थे, और उसका प्रीवियस हाई है वो अपना पहला टारगेट रहता है, यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाता। सेम अपने फिर से ट्राई करेंगे ऐसे ही बाय करने का, अभी तुरंत आपको बाय नहीं करना। अगर ये रेड कैंडल का हाई कल ब्रेक होता है, ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तभी अपने बाय करेंगे, और अपने को पता चलेगा कि स्टॉक ने बेस बना के ऊपर जाने के लिए एकदम स्टॉक रेडी है। अगर ये हाई क्रॉस नहीं करेगा तो स्टॉक कैसे परफॉर्मेंस देगा कल। और निफ्टी आप देख सकते हो, एसजेएक्स निफ्टी अभी डाउन चल रही है, करीब 100-150 पॉइंट नीचे चल रही है, तो स्टॉक में भी कल सीधा इसके नीचे ही ओपन हो जाए, और नीचे चला जाए तो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। तो ये ध्यान में लेके चल सकते हो। स्टॉक का नाम है एंजल वन। आपको सीएमपी अभी कितना है, 1812.7 है, 1812.7 है, तो आपको सीएमपी पे तुरंत बाय नहीं करना, बाय एट सीएमपी, सॉरी बाय एट सीएमपी नहीं है, मैंने लिखने में थोड़ी गलती कर दी, बाय अबो करना है आपको। बाय अबो यानी कि अभी सीएमपी पे आपको बाय नहीं करना, कब बाय करना है, 1860 के ऊपर ही बाय करना है, अभी तुरंत बाय नहीं करना, 1860 यानी कि ये जो लेवल है उसके ऊपर जाएगा तभी बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस लगाएंगे 1790 का। अगर कल समझो स्टॉक नीचे ओपन होता है और 1790 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है, तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। अगर कॉल एक्टिव हो जाता है, 1860 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है, तो आप 2100 यानी कि 2100 का टारगेट आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 1 से 10 दिन का वेट करना पड़ सकता है। तो गाइज, मैंने आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना बता रहा हूँ, और लॉजिक के साथ समझा रहा हूँ कि स्टॉक को बाय क्यों करना है। उसको देखोगे तो ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे सपोर्ट है, डिमांड जोन का भी पहले मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे लिया हुआ है, और इसकी विलियम सर की वैल्यू -80 भी आया हुआ है, यानी बहुत हाई चांस है कि स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो ये अपना पहला स्टॉक हो गया एंजल वन, जो कंडीशनल बाइंग रहेगा, 1860 के ऊपर ही बाय करना है, 1812 है, अगर समझो 1850 भी आता है तो भी आपको बाय नहीं करना, 1860 के ऊपर यानी कि 1860.10 पैसे पे आप बाइक लगा सकते हो, लिमिट लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये रहेगी कि 1790 का लेवल पहले आ जाएगा तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, उसके बाद स्टॉक पहले कितना भी ऊपर जाए तो आपको बाय नहीं करना, तो ये आप ध्यान में लेके चल सकते हो। तो ये अपना पहला स्टॉक हो गया एंजल वन। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार को आपको बाय करना है, लेकिन बाय कहाँ पे करना है, ये भी कंडीशनल बाइंग रहेगी। आप देख सकते हो स्टॉक क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, एरिया से नीचे आ रहा है, फाइनली ऊपर गया, लेकिन देखो यहाँ से थोड़ा नीचे है, फाइनली ब्रेकआउट देके ऊपर गया, फिर से यहाँ पे आया, लेकिन आप देखोगे ध्यान से, ये उसका पहले सप्लाई जोन हुआ करता था, वो स्टॉक अभी अभी डिमांड जोन बना रहा है। देखो यहाँ से थोड़ा नीचे आया, फिर से ऊपर चला गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर चला गया, और अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, उसके पहले जो सप्लाई जोन था वो डिमांड जोन बन गया है, और ये एरिया में ये जो रेंज है आप देखोगे 1131 की लाइन और 1106 की लाइन, उसमें वहां से आके स्टॉक रिवर्स मार के बार बार ऊपर चला जा रहा है। देखो यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ से आया था फिर से ऊपर चला गया, यहाँ थोड़ा आया फिर से ऊपर गया, अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अपने को पता चल गया कि स्टॉक ने पहले सप्लाई जोन था उसका डिमांड जोन बना लिया है, और साथों साथ आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन देखो कंडीशनल बाइंग रहेगी। यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेक करके यहाँ पे नीचे अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो आपको अगर बाय करना है स्टॉक को, अच्छा परफॉर्मेंस देना है इस स्टॉक को, तो उसको ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना चालू करना पड़ेगा, तभी अपने बाय करेंगे, फिर से स्टॉक ऊपर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी तुरंत बाय नहीं करना, क्योंकि उसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करके यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, लेकिन क्लोज नहीं दिया ट्रेंड लाइन के ऊपर, यानी कि जो कैंडल है रेड कैंडल बनाई है उसके ऊपर हाई मारेगा और ऊपर जाना चालू करेगा ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना, तो अपने कल बाय कर सकते हैं। और एडीएक्स की वैल्यू देखो 25 के ऊपर है और विलियम्स आर की वैल्यू -80 आया हुआ है, तो अपने मान सकते हैं कि स्टॉक का ये लास्ट स्विंग हो सकता है, स्टॉक यहाँ से रिवर्स मार के ऊपर जा सकता है, इसीलिए ये भी कंडीशनल बाइंग रहेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था वो ब्रेक करके नीचे आ गया है, और स्टॉक अभी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी तुरंत गया नहीं है। अगर कल जाता है ये ट्रेंड लाइन जो प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करके ऊपर जाता है तो अपने बाय करेंगे और वो फिर ऊपर जा सकता है। तो अपने को बाय करने का रीजन, पहले ये डिमांड जोन बन गया,
ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मिल जाएगा, ये लेवल क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो, और विलियम्स आर की वैल्यू -80 भी आ जाएगी। तो ब्लू स्टार को आपको सीएमपी देखो कितना है, 1139.9 है, तो आपको सीएमपी पे तुरंत बाय नहीं करना, आपको बाय एबो करना है। बाय एबो यानी कि कब करना है, 1145 के ऊपर बाय करना है, अभी आपको बाय नहीं करना है। ऐसे 5-6 रुपीज ऊपर जाएगा तब भी अपने बाय करेंगे, और कल निफ्टी में भी नीचे खुल सकती है, तो ये स्टॉक नीचे आ सकता है, तो आपको तुरंत बाय नहीं करना। लेकिन 1145 जब भी बाय हो जाएगा तो 1105 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। कल समझो 1105 पहले आ जाता है तो नीचे भी स्टॉक आ जाएगा और अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। कॉल एक्टिव होने के लिए 1145 का लेवल पहले आना चाहिए, तभी अपने 1105 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, यानी कि जो कैंडल का लो है वो अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा, वो स्टॉक अच्छी रैली दिखा सकता है। और इसमें टारगेट रहेगा 1220 और 1250 का टारगेट आ सकता है, उसके लिए टाइम पीरियड रहेगा 1 से 10 दिन का टाइम पीरियड रहेगा। 1220 यानी कि प्रीवियस उसका जो हाई है वो आराम से अचीव कर सकता है, लेकिन कंडीशनल बाइंग रहेगी, 1145 का लेवल क्रॉस करेगा तभी ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो ये अपना दूसरा स्टॉक हो गया ब्लू स्टार। अभी तीसरा स्टॉक बताऊंगा जो आपको कंडीशनल बाइंग नहीं है गाइस, कंडीशनल बाइंग नहीं है यानी कि सीएमपी पे तुरंत बाय करना है, चाहे निफ्टी यहाँ से 100 या 200 या 500 पॉइंट नीचे खुले तो भी आपको ये स्टॉक को मिस नहीं करना और तुरंत बाय करना है, और बहुत अच्छा मोमेंटम स्टॉक है। कल समझो निफ्टी थोड़ी नीचे खुलेगी 150 पॉइंट जितना, तो ये स्टॉक 1% जितना 1% जितना नीचे खुल सकता है, लेकिन वो तुरंत पहले 5 मिनट में ऊपर रिकवर करके ऊपर चला जाएगा, इसलिए आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। स्टॉक का नाम है इजी ट्रिप प्लानर, इज माई ट्रिप भी बोल सकते हो, इजी ट्रिप प्लानर भी बोल सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक का नाम इज माई ट्रिप यानी कि इजी ट्रिप प्लानर स्टॉक का नाम है, और डेली चार्ट के ऊपर है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा है। देखोगे तो आप देखो क्या बाय करने का रीजन, ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके अच्छे से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर क्लोज दिया, पहला रीजन। दूसरा रीजन देखोगे तो ऊपर से ट्राइंगल मैंने बनाया, देखोगे स्टॉक ने ऊपर गया रिजेक्शन आया, फिर से ऊपर गया रिजेक्शन आया, फिर से ऊपर गया रिजेक्शन आया, लेकिन उसने क्या किया, फाइनली रिजेक्शन कैंडल का जो हाई था वो ब्रेक करके ऊपर ट्रेड किया। देखो ए भी ग्रीन कैंडल अच्छे से बनाई, ए भी ग्रीन कैंडल अच्छे से बने, यानी ब्रेकआउट ट्राइंगल का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको अभी सीएमपी पे बाय कर सकते हो, क्योंकि ये जो रेड कैंडल है उसके हाई के ऊपर बाय बनता था, यानी कि ये कैंडल पे आप बाय कर सकते थे लेकिन तब आपने बाय नहीं किया, तो अभी भी आप बाय कर सकते हो। तो ये दूसरा रीजन हो गया कि ट्रायंगल का ब्रेकआउट देके स्टॉक अच्छे से ऊपर क्लोज दिया। और तीसरा और मेन रीजन आप देखोगे एडीएक्स की वैल्यू देखो 25 के भी नहीं 50 के आसपास है, यानी 42 है, तो बहुत हाई चांस है कि ऐसे स्टॉक मोमेंटम स्टॉक होते हैं वो निफ्टी मतलब मार्केट कितना भी गिरे स्टॉक बहुत कम गिरते हैं फिर ऊपर चले जाते हैं। तो और एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर है और विलियम सर की वैल्यू देखो -80 आया हुआ है, यानी कि ये जो रेड कैंडल है वो -80 है, और मैंने आपको बोला ये जब भी विलियम सर की वैल्यू -80 आती है तो वो क्या होता है स्टॉक का लास्ट स्विंग होता है, स्टॉक यहाँ से रिवर्स मार के ऊपर जाता है, और फाइनली स्टॉक ने ऐसा ही किया, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो आपको सीएमपी पे तुरंत ही बाय करना है, और ये जो रेड कैंडल का लो है वो अपना क्या हो जाएगा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे समझो कल कितना निफ्टी नीचे गिरता है तो ये स्टॉक अभी 413 है तो मे बी 410 पे आसपास खोले तो आप वहां पे भी बाय कर सकते हैं। तो इजी माई ट्रिप इज माई ट्रिप इजी ट्रिप प्लानर स्टॉक का नाम है, सीएमपी कितना है 413.45 है, तो आप सीएमपी पे तुरंत बाय कर सकते हो। मैंने सीएमपी इसीलिए लिखा क्योंकि इसका प्राइस पता नहीं कल कहाँ पे ओपन होगा, तो आप सीएमपी अपना ले सकते हो कि बाइंग लेवल सीएमपी ले सकते हो, अगर कल नीचे खुलता है 405 में तो भी आप 405 पे ले सकते हो। इसका स्टॉप लॉस है 393 का, यहाँ यानी कि जो एक कैंडल का लो है वो आपका क्या हो जाएगा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और टारगेट रहेगा 440 और 460 का टारगेट आएगा, उसके लिए आपको 1 से 10 दिन का वेट करना पड़ सकता है, लेकिन स्टॉक बहुत अच्छा है आपको मिस नहीं करना, बोले कम क्वांटिटी में बाय करो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टॉप लॉस दूर है, तो आपको क्वांटिटी पर ट्रेड लॉस पहले डिसाइड करना है कि पर ट्रेड आप समझो 2000 का लॉस लेना चाहते हैं तो उसके हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि इसका 413 का बाइंग है और 393 का स्टॉप लॉस है, यानी कि करीब 20 रुपीज का गैप है बाइंग लेवल और स्टॉप लॉस में, तो अगर आप 2000 रुपीज लॉस लेना चाहते हो तो आप कितना आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2000 डिवाइड बाय 20 करोगे तो आपका 100 क्वांटिटी आएगी, तो आपका 100 क्वांटिटी लेना है इसमें,
पर ट्रेड आप लॉस डिसाइड कर लोगे तो उसके हिसाब से आप क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को 100 क्वांटिटी ये स्टॉक में लेना है, तो उसके हिसाब से आप ले सकते हो। टारगेट बहुत अच्छा है, 440 और 460 का टारगेट आ सकता है, डेली चार्ट के ऊपर है। तो ये अपना तीसरा स्टॉक हो गया जो आपको सीएमपी पे बाय करना है। अभी मैं चौथा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है कैंटा बिल। कैंटा बिल को भी आपको क्या करना है, सीएमपी पे बाय करना है। स्टॉक का नाम है कैंटा बिल, सीएमपी अभी 1203.4 है। तो स्टॉक में क्या किया, स्टॉक ऊपर गया, रिजेक्शन मारा, फिर से ब्रेकआउट देके ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया क्योंकि ये उसका पहले सप्लाई जोन था। स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने का रीजन क्या है, वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। देखोगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे भी ड्रॉ की है, यहाँ पे थोड़ी नीचे आई थी, लेकिन फाइनली देखो मैंने बोला है कि जब भी स्टॉक ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है तो वो ट्रेंड लाइन कंटिन्यू होती है और फाइनली सपोर्ट लेती है, फिर से ऊपर जाती है और अभी फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। यानी मल्टीपल टाइम ट्रेंड लाइन का भी उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो ये मान सकते हैं कि उसका लास्ट स्विंग हो सकता है और स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है। और मेन रीजन आप देखोगे तो एडीएक्स की वैल्यू देखो कितना है, 25 के ऊपर है, विलियम सर की वैल्यू -80 आया हुआ ही था पहले। यानी कि जो लास्ट स्विंग बना है वो स्टॉक का क्या हो सकता है, लास्ट स्विंग हो सकता है क्योंकि विलियम सर की वैल्यू -80 आया। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ जब भी -80 आता है तो वो स्टॉक का लास्ट स्विंग होता है, स्टॉक वहां से ऊपर एकदम जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि आपको सीएमपी पे तुरंत बाय करना है। तो सीएमपी कितना चल रहा है कैंटा बिल का, क्योंकि स्टॉक को देखो नीचे गिरने के बहुत कम चांस है। स्टॉक यहाँ से जाएगा तो भी उसको पहले ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलेगा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट के बाद उसको यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो बहुत कम चांस है कि स्टॉक यहाँ से नीचे गिरे क्योंकि ऑलरेडी विलियम सर की वैल्यू -80 आ चुका है। यहाँ से स्टॉक थोड़ा भी गिरेगा तो भी फिर से वो ऊपर चला जाएगा, ये लास्ट स्विंग अपने समझ सकते हैं। तो स्टॉक को आपको सीएमपी कितना है, 1203 है, तो सीएमपी पे बाय कर लेना है। 1155 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1250 और 1300 का टारगेट आ सकता है, उसके लिए आपको 1 से 10 दिन का वेट करना पड़ सकता है। तो गाइस सीएमपी यानी कि 1203 मैंने जो बोला है वो सीएमपी पे आप बाय करोगे क्योंकि कल निफ्टी नीचे खुल सकती है, तो ये स्टॉक 1190 पे भी खुल सकता है, तो भी आपको मिस नहीं करना, 1190 पे बाय कर सकते हो। आपको स्टॉप लॉस टाइट लगाना है, 1155 अगर आ जाता है तो सिस्टम में आपको एग्जिट भी होना है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने बोला तो वो स्टॉक ऊपर ही जाएगा। अगर कल 1155 आए तो आप ऐसा मत सोचो कि थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा तो मैं वेट करता हूँ, आपको ऐसा नहीं करना। जो भी स्टॉप लॉस ले दिया उसको फॉलो करना पड़ेगा और आपको एग्जिट भी करना पड़ेगा। तो ये अपना चौथा स्टॉक हो गया कैंटा बिल। और अब पांचवा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा जिसको पोर्टफोलियो स्टॉक बोल सकते हो। आपको बोला ही था कि अपने 20 से 25 ट्रेड लेंगे पोर्टफोलियो में और उसका एक्सेल शीट के ऊपर परफॉर्मेंस देखेंगे। तो पोर्टफोलियो स्टॉक का नाम है पीटी इंजीनियरिंग। तो उससे पहले जो लास्ट पोर्टफोलियो स्टॉक था उसका परफॉर्मेंस आपने देख लेते हैं। लास्ट देखो मैं आपको बताता हूँ, तो एक्सेल शीट के ऊपर डाला ही था तो उसका अभी पोजीशन क्लोज है अपना क्योंकि स्टॉप लॉस हो गया है। तो आप देखोगे मैं आपको बताता हूँ, तो लास्ट जो था स्टॉक पोर्टफोलियो स्टॉक उसका नाम था उफ्लेक्स। उफ्लेक्स में अभी क्या हो गया, अपनी पोजीशन क्लोज हो चुकी है क्योंकि अपना जो बाइंग लेवल था और स्टॉप लॉस लेवल था, तो स्टॉक कॉल एक्टिव हुआ था अपने को, फ्राइडे को कॉल एक्टिव भी हो गया था, लेकिन आप देखोगे ध्यान से तो उसने मंडे को अपना स्टॉप लॉस लेवल आ गया था। यानी कि देखो आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक का नाम था उफ्लेक्स, 29 तारीख को बाय किया था, एक मिनट गाइस। तो गाइस मैंने आपको बोला ही था कि अपने पोर्टफोलियो स्टॉक होगा वो एक्सेल शीट के ऊपर आपको समझाई दूंगा। तो देखो स्टॉक 29 तारीख को बाय किया था, स्टॉक का नाम था उफ्लेक्स और बाइंग लेवल था 677.1। आप देखोगे थर्सडे का वीडियो देखोगे तो उसमें बोला ही था कि फ्राइडे को ये स्टॉक आप बाय कर सकते हो, तो कॉल एक्टिव भी हो गया था, तो कॉल एक्टिव हुआ था। लेकिन मंडे को देखो उफ्लेक्स ने क्या किया था, 645 का लो मारा था, यानी कि अपना स्टॉप लॉस लेवल ट्रिगर हो गया था, 650 का स्टॉप लॉस लेवल था। थर्सडे का वीडियो देखोगे तो पता चलेगा। और अपने क्या किया था, पर ट्रेड 2000 का ही लॉस लेंगे, तो अपने क्वांटिटी डिसाइड हो चुकी थी 74, क्योंकि बाइंग लेवल माइनस स्टॉप लॉस लेवल यानी कि ₹27 आ रहा था, तो 2000 डिवाइड बाय 27 करोगे तो 74 का आ रहा था। तो अपने को लॉस कितना आया उस ट्रेड में, 2005 का लॉस आया। तो आपने क्या किया, पर ट्रेड अपने 2000 ही लॉस लेना था और 10000 का टारगेट लेंगे। तो फ्लेक्स में अपना स्टॉप लॉस हो गया
और उसमें ब्रोकरेज देखोगे, डिलीवरी किया था क्योंकि अपने बाय किया था 29 को और बेचा 2 तारीख को, तो अपना डिलीवरी बेस हो गया, पोजिशनल ट्रेड हो गया, तो उसमें 110 रुपीज का ब्रोकरेज लगा, यानी अपने टोटल लॉस आया 2115.4 का लॉस आया, और होल्डिंग पीरियड था 3 दिन का। तो ये अपना फ्लेक्स पे पोजीशन अभी क्लोज हो गई। अभी आज मैं दूसरा पोर्टफोलियो स्टॉक बता रहा हूँ, अगर कल इसमें कॉल एक्टिव हो जाता है, इसमें कॉल एक्टिव हो ही जाएगा क्योंकि इसको कंडीशनल बाइंग नहीं है, तुरंत बाय करना है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा कल का डेट है जैसा कि 4 मई 2022, और स्टॉक का नाम रहेगा पीटी इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे मैं डेटा डाल दूंगा, तो इसमें अपने देखेंगे बाद में स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस देता है कि नहीं देता, तो एक्सेल शीट के ऊपर आपको समझा दूंगा। तो आप देख सकते हो स्टॉक का नाम क्या है, पीटी इंजीनियरिंग, पोर्टफोलियो स्टॉक है, स्टॉक का नाम है पीटी इंजीनियरिंग, और 310.85 उसका बाइंग लेवल है, तो आपको तुरंत बाय करना है। बाय करने का रीजन आपको समझा देता हूँ, डेली चार्ट के ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे, तो देखो स्टॉक क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, फाइनली ब्रेकआउट देके ऊपर गया और यहाँ पे नीचे आया। कहाँ पे नीचे आया, उसका पहले सप्लाई जोन हुआ करता था, वो स्टॉक ने क्या बनाया, डिमांड जोन बनाया, और ये वहां पे ट्रेड कर रहा है। पहला रीजन कि उसको रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, दूसरा रीजन देखो स्टॉक ने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और यहाँ पे सपोर्ट लिया, दूसरा रीजन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और तीसरा और मेन रीजन देखोगे तो एडीएक्स की वैल्यू देखो 25 के ऊपर है, विलियम सर की वैल्यू -80 आया हुआ, तो वो स्टॉक का क्या हो सकता है, लास्ट स्विंग हो सकता है। अपने को कंफर्मेशन चाहिए था कि स्टॉक जो रेड कैंडल बना है उसके हाई के ऊपर बाय करना था, लेकिन ये दूसरे मतलब मंडे को देखो स्टॉक ने क्या किया है, मैं आपको जूम करके थोड़ा बताता हूँ। गाइस थोड़ा वीडियो लंबा होता है लेकिन आपको डिटेल में मैं समझाता हूँ, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। देखो ये जो रेड कैंडल था उसके हाई के ऊपर अपना बाय बनता था, और स्टॉक ने मंडे के दिन वो हाई भी ब्रेक कर दिया था, यानी कि अपना ऑलरेडी कॉल एक्टिव हो ही चुका है, तो कंफर्मेशन अपने को मिल गया है कि ये जो सपोर्ट कैंडल थी इसकी, उसके हाई के ऊपर बाय बनता था, और दूसरे दिन उसने वो हाई भी ब्रेक कर दिया है, यानी कि आपको सीएमपी पे ये स्टॉक को बाय कर लेना है। कल निफ्टी चाहे नीचे गिरे तो ये स्टॉक 305 पे भी खुल सकता है, लेकिन वो तुरंत फिर से ऊपर चला जाएगा, तो आपको पोर्टफोलियो स्टॉक है तो कंडीशनल बाइंग नहीं है इसमें, सीधा सीएमपी पे ही बाय करना, क्योंकि उसने जो सपोर्ट कैंडल थी उसके हाई दूसरे दिन ब्रेक करके ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, और अच्छे से ग्रीन कैंडल भी बनाई है ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास, तो अपने मान सकते थे कि स्टॉक ने बेस बना लिया है, स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है, तो पीटी इंजीनियरिंग स्टॉक का नाम है, सीएमपी है 310.85, सीएमपी पे ही आपको बाय कर लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है 300 का और टारगेट रहेगा 356 का। तो टारगेट 356 कैसे आया, तो आपने क्या पोर्टफोलियो स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो देखोगे तो 310 यानी कि 311 और स्टॉप लॉस है 300 यानी कि 11 रुपीज का गैप है, तो अपने 5 गुना यानी कि 55 रुपीज 56 रुपीज का टारगेट लेके चल सकते हैं, तो 356 नहीं आएगा, सॉरी गाइस इसमें आएगा 310 प्लस 55 करोगे तो 365 का टारगेट आएगा, तो आप ध्यान में लेके चल सकते हैं, और टाइम पीरियड रहेगा 1 से 3 महीना, आपको पोजीशन बना के रखनी पड़ेगी, स्टॉक अच्छे से ऊपर परफॉर्मेंस दे सकता है आने वाले 1 से 3 महीने में, और उसके पीछे का लॉजिक भी बता दिया कि क्यों बाय करना है। विलियम सर की वैल्यू देखो -80 आया हुआ, तो ये स्टॉक का लास्ट स्विंग हो सकता है, स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो ये अपना पोर्टफोलियो स्टॉक हो गया। पोर्टफोलियो स्टॉक में कल यहाँ पे डाल दूंगा एक्सेल शीट पे, अपना ट्रेड नंबर 2 रहेगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि कल 4 मई 2005 ऐसा लिख दूंगा, क्योंकि कल अपने को ये बाय करना, लेकिन सीएमपी पे अभी बाय नहीं करना, क्योंकि इसका देखना पड़ेगा ओपन प्राइस कहाँ पे हो सकती है, अगर कल 305 पे ओपन होगा तो मैं यहाँ पे बाइंग लेवल लिख दूंगा 305, जो भी ओपन प्राइस होगा वो अपना बाइंग लेवल समझेंगे, क्योंकि सीएमपी पे एग्जैक्ट ओपन तो नहीं होना है, क्योंकि जो क्लोज दिया वहाँ पे वो स्टॉक ओपन नहीं हो सकता, इसीलिए अपने कल ओपन प्राइस जो रहेगी वो अपना बाइंग लेवल हो जाएगा। तो गाइज मैंने 5 स्टॉक बता दिए, 5 स्टॉक बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकते हैं, पहला स्टॉक का नाम है एंजल वन, दूसरा स्टॉक है ब्लू स्टार, तीसरा स्टॉक है इजी ट्रिप प्लानर, चौथा स्टॉक है कैंटाबिल, और पांचवा अपना पोर्टफोलियो स्टॉक है पीटी इंजीनियर। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।